हम बात कर रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको फिलहाल छोटे मोटे अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। 74 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन के बाद लगातार गिरावट दिखाई, गिरावट आई, एक जंप आया, हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, रिजेक्शन के साथ गिरावट और लो ब्रेकडाउन। इस वक्त जो है पटेल इंजीनियरिंग अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल के ऊपर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, जो कि इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 64-65 का लेवल। इससे पहले हमने डिस्कस भी कर चुके थे इस लेवल को कि 64-65 का लेवल इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है पटेल इंजीनियरिंग के, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले इस लेवल से गिरावट दिखाई, 64-65 के आसपास से जंप आया, अगेन सेम लेवल से रिजेक्शन और बड़ी गिरावट। तो अब इसको ब्रेकआउट कर चुका था स्टॉक, तो यही लेवल सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है 64-65 का लेवल। इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए पटेल इंजीनियरिंग ने, यहीं से स्टॉक बाउंस बैक होता नज़र आना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन कर जाता है तो वैसी कंडीशन में फिर पटेल इंजीनियरिंग में 60s तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए अब हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा। अगर पोजीशंस बनाते भी हो तो छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट मिल जाता है उस पर निकलना यहाँ ठीक रहेगा। वैसे कोई बाय सेल और होल्ड को हम सजेस्ट नहीं कर रहे, बस एक एनालाइज करने के लिए, एक एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहाँ से स्टॉक जम दिखाता है तो इमीडिएट जो टारगेट बनेगा 68 का रहेगा, और इसको ब्रेकआउट कर गया तो 70-71 का लेवल जो इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आइए चार्ट पैटर्न की ओर नज़र डालिए और देखते हैं कि 71 के लेवल से इससे पहले स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर अपने रिसेंट लो को ब्रेकडाउन किया है। तो 71 का लेवल ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है लगातार तेज़ी के लिए। अगर पटेल इंजीनियरिंग 71 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया और सस्टेन हो गया तो फिर वैसे कंडीशन में क्लियर कट है इसके खेल पलटने का सिग्नल रहेगा। फिर पटेल इंजीनियरिंग यहाँ से लगातार तेज़ी दिखाता नज़र आ सकता है, अपने इस हाई का भी ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।